तो यहाँ पर जो हमारा मतदान होना है 2024 लोकसभा चुनाव, तो उससे संबंधित जो हमारी ट्रेनिंग शो होनी है ईवीएम से संबंधित, उन्हीं के क्रम में ये वीडियो है हमारा। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले महत्वपूर्ण भाग हैं उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले भाग एक में मॉक पोल का सर्टिफिकेट आपको भरना होगा, भाग दो में सीयू में पावर पैक रिप्लेसमेंट यदि कोई हुआ है तो उसको भरना होगा, और भाग तीन में मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना होगा। इसके बाद में भाग चार में ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट मॉक पोल के दौरान यदि हुआ है तो उसको आपको भरना होगा, अन्यथा की स्थिति में निल करके आप डालते रहिएगा उनमें बच्चियाँ। और भाग पाँच में ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट वास्तविक मतदान के दौरान जो अगर होगा तो उसको आपको भरना होगा, अन्यथा की स्थिति में निल डाल दिया जाएगा। घोषणा भाग एक मतदान प्रारंभ होने के संबंध में पीठासीन अधिकारी की घोषणा भरी जाएगी। और इसके बाद में भाग दो की बात करें तो मशीन के प्रतिस्थापन के उपरांत की जाने वाली घोषणा, इसको भरना होगा। भाग तीन की जो घोषणा है वो मतदान समाप्ति पर घोषणा भरी जाएगी, जब मतदान समाप्त हो जाएगा उस समय। और इसके बाद में नेक्स्ट और अंतिम जो घोषणा होगी भाग नंबर चार की, वो मतदान के दौरान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात ये घोषणा भरी जाएगी। जो मशीन होगी उसको मोहर बंद किया जाएगा, सील लगाई जाएगी, जो एरो क्रॉस सील होती है उसको। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको आपको बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो आपकी ये घोषणाएं भरी जाती जानी हैं। इसके बाद में मतदान स्थल पर जो प्रवेश करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन कौन प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि मतदान स्थल पर व्यक्ति जो मतदान अधिकारी है वो कर सकता है, प्रत्याशी कर सकता है, निर्वाचन अभिकर्ता एजेंट कर सकता है, मतदान अभिकर्ता, जो निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, प्रेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग कर्मी, लोक सेवक, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, असक्त मतदाता से जुड़े सहयोगी आदि अनुमन्य हैं। तो ये लोग यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो मतदान की प्रक्रिया रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, तो सबसे पहले सर्वप्रथम मतदाता मत डालने हेतु कक्ष के अंदर प्रवेश करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा दिए गए पहचान पत्र के आधार पर मतदाता सूची से क्रम संख्या एवं मतदाता के विवरण की जांच करेगा। आयोग द्वारा पहचान संबंधी अनुमन्य दस्तावेज मांगेगा, और इन दस्तावेज में जो गवर्नमेंट या जो हमारा चुनाव आयोग है उसने जो 13 प्रकार के या ज़्यादा प्रकार के जो भी हैं उसमें आपको फोटोयुक्त जो भी पहचान पत्र हो उसको आप यहाँ पर मांग सकते हैं, और इन फोटोयुक्त। इसके बाद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बिना फोटो की वोटर पर्ची जो बीएलओ द्वारा मतदाताओं को दी जाती है, यदि कोई मतदाता केवल वोटर पर्ची लेकर आता है तो मतदाता को वोटर पर्ची के साथ साथ उपरोक्त जो क्रम संख्या दो में आईडी दी गई है उनमें से क्रम संख्या 13 में उल्लिखित पहचान संबंधी दस्तावेज में से किसी एक को लाना अनिवार्य होगा। केवल पर्ची से वोट आप नहीं डलवा सकते हैं। और इसके बाद में जो पुरुष मतदाता हैं उनके वोट डलने की स्थिति में मतदाता सूची में उसकी जो क्रम संख्या है उसको तिरछी लाइन खींचते हुए, जैसे कि यहाँ पर ये लाइन खींचे, इस प्रकार से पुरुष जो मतदाता हैं उनके में आपको खींचनी होगी, साथ ही महिला के में आपको ये तिरछी जो लाइन है वो खींचनी होगी। उसके बाद में जो क्रम संख्या है उसको आपको सर्कल भी करना होगा, तिरछी तो गोला भी करना होगा। तो इस प्रकार से जो अन्य लिंग की स्थिति में स्टार बना होगा, जैसे कि थर्ड जेंडर यदि कोई आता है तो उसमें आपको स्टार बनाना होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वोटिंग करवाएंगे और इसे भरेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करिएगा, उसमें हम जो द्वितीय मतदान कर्मी है उसको क्या काम करना है तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर पहला मतदान कर्मी के ये कार्य था कि वोटर लिस्ट को चेक करना, मतदाता की पहचान को वेरीफाई करना, उसके बाद में वोटर लिस्ट के उस मतदाता के जो निस्थान है उस पर आड़ी तिरछी लाइन करना, या महिला मतदाता है तो सर्कल करना, या थर्ड जेंडर है कोई तो उस पर स्टार बनाना, ये काम था। और इसके साथ साथ जो पीठासीन अधिकारी है उसको कौन कौन सी घोषणाएं भरनी है वो घोषणाएं संबंधी ये वीडियो था।